तक और आदिल चौधरी वगैरह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, अब आपका गठबंधन है तो आप उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन पहले तो धमकी आप ही लोगों को मिल रही हो, प्रधानमंत्री तो शायद संभवतः आप ही की तरफ इशारा कर रहे थे कि सरकार बदलेगी तो आपसे ही बदला लिया जाएगा, अब आप बोलिए सर। अमन भाई ये तो बहुत लेट हो गया, ये तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था इन लोगों की तरफ से, हिंदू मुसलमान। अच्छा अभी पाकिस्तान की एंट्री नहीं हुई, जैसे जैसे चुनाव और बढ़ेगा अखिलेश जी ने करा दी, पाकिस्तान की भी एंट्री होगी, करा दी अखिलेश जी ने, करा दी। अच्छा आपके सहयोगी ने कराई, जी जी जी। मैं बताता हूँ अमन भाई, है क्या कि हिंदुस्तान में अब बेरोजगारी के ये लोग बात नहीं करेंगे, जिन जाटों की या किसानों की बात कर रहे हैं, अभी दो दिन पहले 29 जनवरी की, मैं आपको बता रहा हूँ 29 जनवरी 2021 में यही तो सरकार थी, इन्हीं के दंगाई विधायक थे जो ये कहते थे योगी जी तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, लोनी के विधायक थे, इन्हीं के विधायक थे ना किसानों के ऊपर जो बर्बरता अत्याचार कर रहे थे, इन्हीं के ही लोग थे ना जो किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तानी प्रणजीवी आंदोलन जीवी, यही लोग तो थे। आज ये नाहिद की बात करें, इनको ये समझ में आई इतनी बड़ी इनको तकलीफ हो रही है, इनको जब महिलाओं के अस्मिता आपको नाहिद कबूल है, साड़ियां खींची जा रही थी जिला पंचायत के चुनावों में तब इनको नहीं दिखा, आज मैं आपको नाहिद कबूल है भाषण सुन रहा था, बहुत अच्छे उन्होंने बोला महिला शक्तिकरण के लिए, तो महिलाओं के सम्मान जब लुट रहा था उत्तर प्रदेश में, तब ये कहां थे जब हाथ रस की, जब हाथ रस की, जब हाथ रस मदन भैया कबूल है, बेटी की रात को आपको धनंजय सिंह कबूल है, इनको एक दर्जन बलात्कारी और अपराधी कबूल है, इनको कबूल है एक दर्जन बलात्कारी और अपराधी, आपके मुख्यमंत्री के ऊपर दर्जनों के चीखते नहीं है, एक काम करते हैं समीर जी, एक मिनट रुक जाइए समीर जी, एक मिनट रुक जाइए, मनोज जी एक मिनट, हाँ मैं उनको रोक रहा हूँ, वो बीच में नहीं बोलेंगे, अच्छा नहीं लगता, एक एक करके बोलेंगे सर। मनोज जी अगर मैं एक सवाल आपसे पूछ लूँ फिर आप आगे बोलिएगा, मतलब क्योंकि अब आपका अलायंस है, आप ये कह सकते हैं कि मुजफ्फरनगर दंगों में समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी सरकार ने इंसाफ किया था, ये लाइन आप कह सकते हैं मेरे को? वो एक बवंडर क्रिएट किया गया था जिसके पीछे थे वो भी लोग जान गए, तो आप मुझे कह दीजिए कि समाजवादी सरकार ने इंसाफ किया था? सुनिए आपके सहयोगी है ना, हवा थी वो बह गई, अब आप नहीं, एक मिनट, अजीत सिंह जी ने मुजफ्फरनगर दंगों का समाजवादी सरकार ने इंसाफ किया था? सुनिए हम लोगों ने वो भाईचारा बनाने के लिए प्रोग्राम चलाए हैं, मनोज जी क्या हो गया, आपके सहयोगी उनके पक्ष में बोलिए भाई, उनके पक्ष में बोलिए भाई, आपके सहयोगी हैं, समाजवादी सरकार ने इंसाफ किया था मुजफ्फरनगर दंगों पर, बोल के दिखा दीजिए, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, यदि वो भाईचारा, भाई आपका तो अलायंस है ना, भाईचारे वाली बात नहीं होती, पीड़ितों को आरोपी बनाया, आरोपी को पीड़ित बनाया, मैं मुजफ्फरनगर दंगों की पीड़ितों की तरफ से बोल रहा हूँ, मनोज भाई जिनकी तरफ से आपको बोलना चाहिए, आज आप मेरा एक सवाल सुनिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट मनोज भाई, मेरे मनोज भाई एक मिनट, एक मिनट मनोज भाई, एक मिनट मनोज भाई, एक मिनट, एक मिनट मनोज भाई, मेरे को एक सवाल पूछना है, एक सम्मान के साथ, एक मेरा सवाल हो जाए, एक मिनट मनोज भाई, एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, ऑडियो मनोज भाई मेरा एक सवाल है आपसे, आप पूछिएगा, मेरा एक सवाल है सीधा सा आपसे मनोज भाई, जी आपका गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ, आप कह रहे हैं दंगों की बात, मुजफ्फरनगर दंगों की बात नहीं करनी चाहिए, वो पुरानी बात है, ठीक जी जी, क्या मुझे आप ये कह सकते हैं जिनके साथ आपने गठबंधन किया मुजफ्फरनगर दंगों में उस पार्टी ने इंसाफ किया था, अगर आज आप ये कह दें मैं आपको चुनौती देता हूं, क्योंकि मुझे पता आप जाटों के साथ हैं, पहले बोलिए मुजफ्फरनगर दंगों में समाजवादी यानी कि इंसाफ नहीं किया, फिर भी आपने इनके साथ गठबंधन किया, मैं ये कह रहा हूं यानी कि इंसाफ नहीं किया फिर भी आपने गठबंधन किया, आरोपी को पीड़ित बनाया, पीड़ित को आरोपी बनाया, सरकार ने गोधरा कांड में, देखिए मनोज भाई मेरे से बेहतर आप जानते हैं इन्होंने क्या किया, मैं ये कह रहा हूँ मेरे से बेहतर आप जानते हैं इन्होंने क्या किया, उत्तर प्रदेश को हम लोगों के विकास की बात करनी चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए, रोजगार के, चलिए जाटों को छोड़ दें हम, ये जैसे आपने छोड़ दिया भाजपा सरकार, मनोज भाई मुसलमान के अलावा इनके पास, मनोज भाई आज मुझे इतना दुख हो रहा है कि आप हैं आरएलडी, मैं नहीं हूँ, मैं जाटों की बात कर रहा हूँ, और आप कह रहे हैं अमन जी मत बात करिए उनकी, छोड़िए उनको, जाट जाए तो जाए गठबंधन ना जाने पाए, जाट जाए तो जाए गठबंधन ना जाने पाए, आपकी आंखों पर गठबंधन की पट्टी बंध गई है, आपकी आंखों पर गठबंधन की पट्टी बंध गई है, जिन्होंने आरोपियों को पीड़ित बनाया, पीड़ित को आरोपी बनाया, जेल में ठूसा, आज उनके साथ आपने गठबंधन किया, की बात कर रहे हैं, मैं भाईचारे की बात कर रहा हूं, चलिए माफी मांगता हूं, आज मैं जाटों की आवाज उठा रहा हूं, मैं माफी मांगता हूं, उनकी बात मुझे नहीं, किसानों की आवाज उठा रहा हूं, मैं किसानों की जाटों में भूस भर देंगे, ये विकास की बातों की आवाज उठा रहा हूं, वो जाटों में भूस भर देंगे, मैं चुनाव के बाद बदला लेंगे,
आज आपको कुछ नहीं पता लग रहा। जाटों जो किसान उस संगति का असर होता है इतना ज्यादा होता है आज पता लगा। मैं जिनके ऊपर जीप चढ़ाई थी इनके मंत्री के बेटे ने वो नहीं थे किसान, जिन जाटों के ऊपर इनके ऊपर जो बॉर्डर्स पे जो इनके ऊपर बर्बरता की गई थी वो नहीं थे। जब कील ठोक दी गई थी, इनके रास्ते रोक दिए गए थे, इनको खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा गया था, वो जाट नहीं थे। आप उठाइए, बहुत अच्छी बात है, सवाल उठाइए मनोज भाई, मैं आपके साथ हूँ, मेरा मेरी सवाल समझिए आप, आज मैं आपके साथ हूँ। सवाल सुनिए भाई, बहुत अच्छी बात, सवाल उठाइए, पूछिए बीजेपी से, बहुत अच्छे सवाल है। आज बेटा जेल में है उनका, कार्रवाई हुई, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों में जिसको आप क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं समाजवादी सरकार मंत्री, आज आप नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल सुनिए आप, गलत, मेरा सवाल सुनिए, मुजफ्फरनगर दंगों में जिस सरकार को, समाजवादी सरकार को आप क्लीन चिट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आप मनी मन जानते हैं कि इंसाफ नहीं हुआ, आज उसके साथ गठबंधन करके आप बैठे हुए हैं, वो जाटों में घूस भरने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन आप उनके खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं, ये मजबूरी है, गठबंधन की पट्टी बंदी आपकी आंखों में। अमन भाई, जाट जाए तो जाए, गठबंधन ना जाने पाए, ये विकास की, बेरोजगारी की, महंगाई महंगाई की, ये उस पे बात नहीं, जाटों की बात ना करें, ये जाट और मुसलमान को दोबारा बिठा के हिंदू मुसलमान करके ये दोबारा इनके एजेंडा ही ये है। समझ गया सर, गलती हम जाटों की बात, देर से आया, जाटों को छोड़ देना, किसानों की बात कर रहा हूँ, दंगों में इन्होंने दंगों में ना इंसाफी की तो की, अब तो गठबंधन हो गया ना आपका, जाट ही मुसलमानों की रक्षा करता है वेस्टर्न यूपी में, जाट और मुसलमान का गठजोड़ है। चलिए बोल के दिखा दीजिए, मैं चुनौती देता हूँ कि मुसलमानों ने जाटों की रक्षा करी मुजफ्फरनगर दंगों में, बोलिए, बोल के दिखाइए ना, गठजोड़ है, बोल के दिखाइए, जाट और मुसलमान हो गया, जाट और मुसलमान एक साथ में है, आप लोग उन्हें लड़ाना क्यों चाह रहे हैं, आप लोग ये भाजपा उन्हें लड़ाना क्यों चाहती है, विकास की क्यों नहीं बात करती, अच्छा, ये बेरोजगारी के मुद्दे पे क्यों नहीं बात, विश्वास जी भी मेरे साथ हैं, एक मिनट रुकिए, हो गया सर, हो गया, गठबंधन की मजबूरी होती है, पिछड़ जाते हैं, सूची विश्वास जी हैं, लेकिन पहले शौकत अली, फिर सूची जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले शौकत अली, फिर सूची जी, मैं आपके पास आऊंगा, शौकत अली बोलिए, अब आप वो कह रहे हैं बदला लेंगे, सरकार बदलेगी तो बदला लेंगे, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। अमन जी, एक और प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी की, मुझे सुनने में बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि नाहिद हसन का नाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को याद है, लेकिन महेश द्विवेदी का नहीं याद है, जो किदवई नगर से प्रत्याशी हैं, क्या कहा था, किसी चैनल ने भी नहीं चलाया है, किसी एक चैनल पे चला हो तो बता दीजिएगा, कहा था लाठी डंडों से मारिएगा, गोली मत मारिएगा, इनका हमें वोट भी चाहिए, इस पर क्यों नहीं की हुई चर्चा, किसी ने पूछा कि किस भाषा, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, थोड़ा भाई चलाया था, हम सुने तो एक मिनट हमको भी सुन लीजिए, अब एक बड़ी चर्चा हो रही थी मुजफ्फरनगर दंगों की, बार बार आप एक चीज कहलवाना चाह रहे थे, क्लीन चिट मिली कि नहीं मिली, क्लीन चिट मिली कि नहीं मिली, मैं पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी ने कम से कम 9 से 10 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत किया था, अब किसी पे मुकदमा पंजीकृत हो तो वो व्यक्ति कहेगा कि हम न्यायालय में जाएंगे और बताएंगे कि हम दोषी हैं या नहीं दोषी, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने बगैर ज्यूडिशियल ट्रायल कराए क्यों मुकदमे वापस लिए, मैं ये जानना चाहता हूं अमन जी आपके माध्यम से, अगर उत्तर प्रदेश सरकार, सुन लीजिए आप पूरा कन्विंस कर रहे हैं, अपने सहयोगी से बुलवा दीजिए, आपने इंसाफ करा, मैं तो वही मैं चुनौती दे रहा हूं आपको, जिनके साथ आपका अलायंस है ना उनसे बुलवा दीजिए कि आपने इंसाफ कराया, मेरे सहयोगी, वो तो आपके सहयोगी है, ये पूरा वो तो आपके सहयोगी है, मनोज जी से बुलवा दीजिए कि आप लोगों ने इंसाफ किया, बुलवा दीजिए, आप दोनों का तो गठबंधन है ना,